मजा है बहुत सिंपल सिंपल जिंदगी जीने में तो यू नो वैसे वैसे फिल्में आती हैं चली जाती है तो इस फिल्म का हिस्सा बनना इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट था. क्या समय चल रहा है, कौन सा दौर चल रहा है, कौन से एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पर हमारे दिमाग में काफी सारे सबसे पावरफुल माध्यम है जो उन परसेप्शन को ब्रेक करे. ये फिल्म जो है वो उस परसेप्शन को ब्रेक करेगी ऐसा मैं मानता हूँ. कि सारे कलाकार सीमादि, जीशान, अंजलि, आलोक, चिन्मय मांडलेकर, इनके साथ कभी एक साथ मुखातिब एक जगह नहीं हुए, वो भी मौका मिल गया. टोटल स्क्रिप्ट ही मुझे बहुत स्ट्रांग लगी और अच्छी लगी है. मतलब बहुत डिटेल में विस्तार में मैं बोलूंगी नहीं कहानी. मैं चाहूंगी एक एक ऑडियंस ये फिल्म देखे. बहुत ही थॉटफुल मीनिंगफुल है. समीर जो है ये बेसिकली तीन ट्रैक पर चलती है, सस्पेंस, पॉलिटिकल ड्रामा. मैं जमीन पिक्चर में अजय जी के साथ भी एक मिलिट्री का किया था, शौर्य में किया था, लेकिन इसमें मैंने ये मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था. यू सी इट्स नॉट के पुलिस ऑफिसर तो पोस्ट है, एटीएस चीफ, बट मैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था. इसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक स्टेट के अगेंस्ट में वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीशान, एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं. इस फिल्म में जो मेरा गाना है याद है कि भूलते, याद है या भूलते एक्चुअली, तो ये फिल्म का सब्जेक्ट एकदम अलग है. जितने भी मूवीज़ मैंने की हैं अमूमन कमर्शियल मूवीज़ हैं, तो ये मूवी जिस सब्जेक्ट पे बनी है बहुत हार्ड हिटिंग, बहुत सेंसिटिव और बहुत रियल सब्जेक्ट है. रियल घटनाओं पे आधारित है, जो असल में 2008 में अहमदाबाद में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसके बाद लोगों के जो जीवन में क्या तब्दीली आई, लोगों का नज़रिया कैसे बदला, वहाँ पे समाज में क्या उथल पुथल हुई, जो दंगे फसाद हुए, तो उनको उसकी जो थीम है उस गाने में, मेरे गाने में बयां होती है वो थीम. जैसे आपने ब्लैक फ्राइडे का बहुत फेमस गाना था अरे रुक जा, मुझे एक्चुअली ये जो फिल्म बहुत अच्छी लगी और मुझे अच्छी लगी. और जो मैं जो सीन है रॉकेट का, तो मैं जो सीन है रॉकेट का, किस तरीके का किरदार में आप नजर आने वाले हैं इसमें? एक बेसिकली एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो जैसा आपने ट्रेलर देखा तो आपको पता चल ही गया कि उसको मोल बना के डाला जाता है. एक नॉर्मल स्टूडेंट है जो किसी भी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, सोशल रीज़न की वजह से, एंड हाउ हिज लाइफ चेंजेस, तो ज़्यादा उसके बारे में है. बाकी ज़्यादा बताऊँगा तो फिल्म का सस्पेंस रिवील होगा, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा. हर बार हम आपको एक अलग अलग किरदार में देखते हैं. We'll be right back.